देना, ने उनको रोटी देना, कि उनके कपड़े की व्यवस्था करनी, सोने बैठने की व्यवस्था करनी, ये सब काम माताएं करती बेचारी, और नंबर बटोर लेता है ये वाला मोहल्ला, है ना। वो क्या कहेगा, अरे फलाना के घर गए थे भैया, बहुत सेवा की। सेवा तो देवियों ने की, उन्होंने थोड़ी ना की, वो तो तुम्हारी बराबर में बैठ के आराम से चाय और दूध के आनंद ले रहे थे, करने वालियों ने सेवा की। लेकिन पति की शाख को बनाने का काम किसने किया जी, बोलो, पत्नी ने किया ना। तो जब आपने किसी आए गए की इतनी अच्छी प्रकार से आओ भगत कर दी, तो वही आपका क्या बन गया, धर्म बन गया माता। इसे कहते पत्नी धर्म। एक तो ये है, और एक पंडित रामनिवास जी अपने जीवन की घटना सुनाया करते हैं, आपने भी शायद सुनी होगी उनके मुंह से। बोले हम चले गए एक जगह, सर्दियों की बात थी, ये सच्ची घटना बताते हैं पंडित जी, यहां पर कई बार आ चुके हैं। तो बोले रात में जिस व्यक्ति, एक व्यक्ति परिचित था, उसको फोन किया, भैया हम आए हुए हैं। तो वो बेचारा अच्छी नीयत का था, उसने कहा महाशय जी कोई बात नहीं, आ जाओ। बोले हम भी कूदते हुए गए बिल्कुल घर पर, कि चलो घर पर जाएंगे, जानने वाला है, रोटी वोटी खिलाएगा, दूध वूध पिलाएगा, आराम से सोएंगे, सुबह निकल जाएंगे। तो बोले रात में जब बैठक में चले गए, तो वो व्यक्ति पानी ले आया, और पानी ला करके, पानी पिला के, गिलास लेके जैसे गया, तो उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनती हो जरा उठना एक बार, महाशय जी आए हुए हैं, इनके लिए भोजन बनाना। तो बोले पत्नी तुरंत रिजाई में से ही बोली, लेटी लेटी, बोले एक काम कर, महाशय जी को चूल्हे में लगा दे, या मैं रात में महाशय जी के लिए रोटियां बनाऊंगी क्या। अब आप विचार करना, चिंतन करना, जब किसी की ऐसी आवाज सुनी होगी महाशय जी ने, तो क्या किया होगा महाशय जी ने। महाशय जी ने तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से 9:00-11:00 होने में ही अपनी भलाई समझी होगी। आप चिंतन करना, पत्नी के एक शब्द ने उन लोगों को तो ऐसा कर ही दिया कि जीवन में उसके घर पर वो कभी न जा सके, पर पति की भी नाक कटवा दी कि नहीं कटवा दी, बोलो। यही मातों अधर्म हो गया। ये चीजें समझनी पड़ेंगी, धर्म कोई अलग से नहीं है। अपने अपने कर्तव्य का जहां जहां व्यक्ति ठीक ठीक पालन कर रहा है, उसी का नाम क्या है, बोलो, जोर से बोलो, धर्म। इसलिए हमारे यहां पर मंदिरों को तो घर नहीं कहा गया, लेकिन घर को मंदिर बोला कि नहीं बोला, बोलो, बोला ना। मंदिरों को कोई नहीं कहता, जहां मंदिर बने हुए उन्हें कोई घर नहीं कहता। पर ध्यान रखिएगा, जब घर के अंदर कुछ कर्तव्य दिखाई देते हैं, तो उन कर्तव्यों को देख करके दूसरे लोग क्या कहते हैं, भाई साहब वो घर नहीं है, वो तो क्या है, बोलो, मंदिर है। और कहां है मंदिर, जिस घर के अंदर व्यक्ति देखता है कि उस घर में बड़े बुजुर्गों का इतना सम्मान होता है। सास बोले बुजुर्ग हैं, ससुर बुजुर्ग हैं, पर घर के लोग क्या कर रहे हैं, खुद भोजन पहले नहीं करते, किसको करवाते हैं, बहुएं अपनी सास को भोजन करा रही है, बार बार पूछ रही है माता जी क्या लेकर के आऊं, खुद अपने हाथों से नहला रही है, खुद अपनी सास के पैर दबा रही है। और जब उन बहुओं के ऐसे व्यवहार को बाहर का कोई व्यक्ति देखता है, तो वो क्या कहता है, ये घर नहीं है, ये तो भाई साहब मंदिर है, ये तो स्वर्ग है, यहां तो देवता रहते हैं। एक जगह पर मैं गई, बुजुर्ग बाप नौकर चाकर इतने घर के अंदर, पर अपने बाप को बिल्कुल जर्जर शरीर बाप का हो चुका था, लगभग लगभग मेरी माताओं 95-96 वर्ष की आयु, पर अपने बाप को गर्म पानी से बड़े हल्के हल्के हाथों से बेटा नहला रहा है, साबुन लगा रहा है, और साबुन लगाते लगाते मजाक बताओ क्या कर रहा है, पिताजी ऐसी खुशबू वाली साबुन लगा रहा हूं आपको कि इतनी खुशबू आएगी आपके शरीर में से, जो भी बराबर से निकलेगा वो भी महक जाएगा बिल्कुल। तो पिताजी जो थे बोल नहीं पा रहे थे, आंखें पूरी तरह से खुल नहीं रही थी लोगों पर, देख करके मेरी आंख में आंसू आ गए कि बेटे की बात पर पिताजी हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। आप विचार करना, चिंतन करना, जानती मैं भी थी कि उस बेटे का भाव क्या है, पर मैंने फिर भी पूछा, भैया आपके यहां तो इतने नौकर चाकर हैं, इन नौकर चाकरों को जिम्मेदारी दे देते, ये नहला देते, तो जानते हो लड़के ने क्या जवाब दिया, बहन जी जब मैं छोटा था ना, तो मेरे बाप ने मुझे नौकरों के कंधों पर बैठा करके नहीं खिलाया,
मुझे अपने कंधे पर बैठा करके मेरे बाप ने प्यार दिया है, अपनी गोद में उठा करके मेरे बाप ने मुझे प्यार दिया है। तो जब बचपन में मेरे माँ बाप ने मेरा सब कुछ अपने हाथ से किया है, मेरा लाड़, मेरा प्यार, मेरा दुलार, मेरा खाना पीना, मेरी गंदगी, जब मेरे माँ बाप ने बचपन में सब कुछ अपने हाथ से किया है, तो फिर संतान होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनके सब काम अपने हाथ से करूं। मैं अपने बाप की धोती अपनी पत्नी को नहीं धोने देता। मैं अपनी पत्नी से यही कहता हूं, तुम हमारी माँ के लिए करो जो करना है, और अपने बाप की सेवा हम बोलो खुद करेंगे। ईमानदारी से बताना मेरी माताओं, जिस घर में बड़े बुजुर्गों के प्रति ऐसा व्यवहार कर रहे हो बेटे और बहू, कई बार कहते हैं ना बड़ों की सेवा नहीं होती, बोले जी क्यों नहीं होती, कि बहू नहीं करती, यही बोलते हैं ना ज्यादातर, बहू नहीं करती। और बोले बेटा कि जब बहू नहीं करती तो बेटा भी नहीं करता। अच्छा एक बात बताओ मुझे, बहू को पहले आना चाहिए कि बेटे को प्यार पहले आना चाहिए? भाई बेटा जो उन्होंने खुद पैदा किया, पहले ड्यूटी किसकी बनती है बोलो? बेटे की बनती है। कर्तव्य किसका बनता है बोलो? बेटे का बनता है। और जब तुम्हारा बेटा तुम्हारा अपना खून ही तुम पर नहीं ध्यान दे रहा, तो वो जो दूसरों की पैदा की हुई है वो तुम पर कैसे ध्यान दे लेगी? ध्यान रखना, इन बहुओं को उस सेवा भाव की तरफ मोड़ने में बेटों की बहुत बड़ी, जोर से बोलो, भूमिका होती है। और अगर आपके बेटों में ही वो श्रद्धा की, विश्वास की कमी है, तो फिर बहुओं को तो और ज्यादा शय मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी बोलो? मिल जाएगी ना। तो जब आपका बेटा आपकी कदर नहीं करेगा तो फिर वो कहां से कर लेगी? आप चिंतन करना, मनन करना। इसलिए मैं कहा करती हूं कि पहले अपनी संतानों पर ध्यान देना जरूरी है कि हमारी संतानें हमारा करें। जब आपकी खुद की संतानें आपका करेगी तो दूसरी तो उस रास्ते पर अपने आप लग जाएगी। और जहां पर दोनों के दोनों मिलकर के अपने बड़ों की इतनी सेवा जीते जी कर रहे हो, मैं सच कहती हूँ वो किसी मंदिर में जाए या न जाए, वो किसी देवी देवता को भोग लगाए या न लगाए, वो किसी तीर्थ पर जाकर के मत्था टेके या न टेके, पर उनके घर की उन्नति को, उनके घर के कल्याण को, उनकी यश कीर्ति समृद्धि को बढ़ने से कोई भी रोक, जोर से बोलो, नहीं सकता। क्यों? जीते देवताओं की पूजा हो रही है वहां पर, जीवित देवी देवताओं की। इसलिए घर को ही मंदिर बनाया जा सकता है अपने कर्मों से। और परमात्मा ने यही शिक्षा, यही प्रेरणा दी है हमें वेद के अंदर भी कि अपने बड़ों की सेवा करो। जितनी सेवा अपने बड़े बुजुर्गों की करोगे जीते जी, उतना ही घर में आनंद बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा। लेकिन आज जीते जी तो सेवा नहीं होती, पर मरने के बाद में। मैं अभी पिछले दिनों राजस्थान में थी, तो वहां पर जानते हो क्या रिवाज है मरने के बाद में? जब वो अस्थियां लेकर के जाते तो घर से निकलते समय क्या कहेंगे? आओसा। जो मर गया ना उसके लिए बोलते हैं आओसा। फिर गाड़ी में बैठेंगे तो एक सीट उसके नाम की खाली छोड़ते, बोले बैठो सा। बोले अगर बीच में कहीं चाय पीने के लिए गाड़ी रोकनी पड़ जाए तो बोले उतरो सा, चाय पियो सा। तो मैं उनसे बोल रही थी, ये जीते जी जितनी, ये मरने के बाद जितनी सा सा कर रहे हैं उतनी मरने के बाद भी करते हैं कि नहीं करते हैं? है ना, मरने के बाद कर रहे हो आप, उतनी जीते जी भी करते हो कि नहीं करते हो? ऐसा तो नहीं हो रहा है, जीवित पिता से दंगम दंगा और मरे पिता पहुंचाए गंगा, और जीवित पिता को मुक्के लात और मरे पिता को दाल और भात। जब तक माँ बाप जीवित हैं तब तक तो उनकी कोई बात नहीं माननी, उनके प्रति कोई सेवा का भाव नहीं रखना, और मरने के बाद फिर उनको याद करके, जानते हो क्या कहते हैं अपने हरियाणा में? देखो जी हम नरक में बैठे हैं, वो स्वर्ग में बैठे हैं, यही बोलते हैं ना। जीते जी चाहे कितने भी फंड उनके साथ में खिंडाए हो, जीते जी चाहे कितनी भी आत्मा उनकी दुखदाई की हो, पर फिर पड़ोसनों को हवाला देते हुए क्या बोलती हैं? बोले जी देखो हम नरक में, वो स्वर्ग में, पीठ पीछे भगवान जाने। अरे भगवान क्या जाने, तुम भी जानते हो और अच्छी तरह जानते हो। ऋषि दयानंद ने इसीलिए कहा था कि ये जो पितर शब्द आता है,
श्राद्ध शब्द आता है ये मरे हुओं के लिए नहीं आता, ये जीवितों के लिए आता है। इसलिए जिस घर के अंदर बड़े बुजुर्गों की सेवा होती है वो घर ही क्या बन जाता है, मंदिर बन जाता है। जहां आपस में सब प्रेम से मिलजुल करके रहते हैं वही घर क्या बन जाता है मेरी माताओं, मंदिर बन जाता है। जहां दो घड़ी बैठ करके आपस में एक दूसरे से बात करते हो, हंसी मजाक करते हो, वही घर क्या बन जाता बोलो, मंदिर बन जाता है। जहां से व्यक्ति सोचता है कि मैं किसी गरीब को दान कर दूं, कुछ अच्छा कर्म कर दूं, वही घर क्या बन जाता बोलो, मंदिर बन जाता है मेरी माता। उसी घर में सुख शांति आ जाती है। और तुम सोचो कि हमें अलग से सुख शांति करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, अपने कर्मों को सुधार लो, सुख शांति अपने आप हो जाएगी। और अगर अपने कर्मों को नहीं सुधारा ना, तो कितने भी टोने टोटके करते रहना, फिर न सुख होगा घर में न शांति होगी। ये वैदिक सिद्धांत कहता है, इसी बात का प्रचार प्रसार आर्य समाज करता और महर्षि दयानंद करते हैं। इसलिए अंत में चंद पंक्तियां कहकर के वाणी को विरमित करो, जो हमारी माताएं गाया करती हैं। घर में सुख शांति चाहती हो तो यज्ञ करो, संध्या करो, अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दो। और जैसा कि मैंने कहा, मंदिर तो घर नहीं बन सकता, पर घर को मंदिर बनाने का काम कर लो, अपने कर्मों को सुधारने का काम कर लो, तो अपने आप जीवन से अधर्म दूर हो जाएगा और धर्म की स्थापना जीवन में हो जाएगी। इसलिए हमारी माताएं गाया करती हैं, क्या कहती हूं कि खुल गई रे पाखंडियों की तोर, दयानंद तेरे आड़े से। तालियों को खोल दीजिए माताओं, एक साथ भजन के साथ में तालियां बजाएंगी सभी माता है ना, और इसको गाएंगी भी मेरे साथ मिलकर के। खुल गई रे पाखंडियों की पोर, दयानंद तेरे आड़े से। खुल गई रे पाखंडियों की पोर, दयानंद तेरे आड़े से। खुल गई रे पाखंडियों की पोर, दयानंद तेरे आड़े से। खुल गई रे पाखंडियों की पोर, दयानंद तेरे आड़े से। दयानंद तेरे आड़े से, दयानंद तेरे आड़े से। भांग घोट कर पीने वाले नशा चढ़ा डग डग में, डगमग डगमग रही और डगमग डगमग उनकी नैया गई डोर, दयानंद तेरे आड़े से। और डगमग डगमग उनकी नैया गई डोर, दयानंद तेरे आड़े से। खुल गई रे पाखंडियों की खोज, दयानंद तेरे आड़े से। खुल गई रे पाखंडियों की खोज, दयानंद तेरे आड़े से। खुल गई रे पाखंडियों की खोज, दयानंद तेरे आड़े से। दयानंद तेरे आड़े से। निवेदन कर रही थी कितना पाखंड फैलाया कि एक चौधरी साहब की पत्नी मर गई घरवाली। तो जानते हो मरने के बाद में बहुत सारे नाटक कराए जाते हैं गरुड़ पुराण का पाठ सुना करके, ये करना वरना ये हो जाएगा, ये दान करो वरना ये हो जाएगा, ये करो वरना ये हो जाएगा। चौधरी साहब को सारे टोटके बता दिए। चौधरी साहब ने कहा ये भी नहीं करूंगा, ये भी नहीं करूंगा, ये भी नहीं करूंगा, ये भी नहीं करूंगा। बोले घरवाली को शांति नहीं मिलेगी, मैं तो चाहता ही नहीं बिल्कुल भी। उसे तो जीते जी शांति नहीं थी, मरने के बाद कहां शांत बैठेगी वो।
तो इसने कहा फिर अपने वाली से, अपने आप निमटला, बोले निमट लूंगा पंडित जी, बिल्कुल चिंता मत करो तुम। इसने कहा रे भले आदमी एक काम तो कर दिए, एक घड़वा तो बांध दिए पेड़ के, पानी वानी तो पी लेगी कम से कम। बोले हाँ हाँ कर लूंगा। ओहो, निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, पहले बांधते होंगे, अब तो मैंने किसी को देखा नहीं। बोले घड़े बांध देते थे पानी के पेड़ों के, है ना, कि कुछ समय तक आएंगे पितर और क्या कर लेंगे उसमें से पानी पी लेंगे। तो चौधरी साहब ने और कोई बात तो मानी नहीं थी, सोचा ये वाली तो मानी लू, नया घड़ा खरीदा, पानी से भरा, रस्सी बांधी, और रस्सी बांध करके घड़े को बांध लिया अपनी खाट के पास। पंडित जी ने घड़ा बंधा हुआ देखा चौधरी साहब की खाट के पास। इसने कहा चौधरी साहब ये घड़ा कैसा बांध रखा है? अरे बोले पंडित जी तुमने ही तो बंधवाया था, कहा था घरवाली को पानी पिला दिए। तो बोले ये घड़ा कोई खाट पे थोड़ी ना बांधना था, ये तो पीपल के पेड़ पे बांधना था, वहां आती वो। बोले अच्छा, इतने सारे मरे हुए गांव के सबके घड़े पीपल के पेड़ पे बंधे हुए हैं, अगर मैं अपनी घरवाली का भी घड़ा पीपल के पेड़ पर ही बांध देता तो कौन उसे शांति से पानी भी देता? अरे मेरे पास आएगी, बैठेगी, दो बात भी कर लेगी, कुछ मंथन की भी कह के चली जाएगी, मैं भी बात कर लूंगा। पंडित जी ने कहा ऐसे बात नहीं हुआ करती। चौधरी साहब ने कहा जानता मैं भी हूं, जानता मैं भी हूं कि ऐसे बात नहीं हुआ करती, पर क्या बात है, जो काम तुम अपनी मर्जी से करवाओ तब सब कुछ हो जाता है, और अगर हम अपनी मर्जी से उसमें थोड़ा सा उलट फेर कर दे तो तुरंत फिर कुछ नहीं होता। ये साइंस तुम्हारी समझ में नहीं आई पंडित जी, हमारे लोगों को बहकाने का काम किया पर आर्य समाज ने बचाने का काम किया। इसलिए लेखा कवि ने जो कहते थे वे तरणी में पितर डूब रहे थारे, जो कहते थे वे तरणी में पितर डूब रहे तारे, सोना चांदी गहूं दान दो पार उतर जा सारे, सोना चांदी गहूं दान दो पार उतर जा सारे, अरे जो कहते थे वे तरणी में पितर डूब रहे थारे, सोना चांदी गहूं दान दो पार उतर जा सारे। हो गया हो गया रे, ओ हो गया हो गया रे, उनका तो बिस्तर गोल दयानंद तेरे आने से, ओ हो गया हो गया रे, उनका तो बिस्तर गोल दयानंद तेरे आने से, खुल गई खुल गई रे पखंडियों की पोल दयानंद तेरे आने से, खुल गई खुल गई रे पखंडियों की पोल दयानंद तेरे आने से, खुल गई खुल गई रे पखंडियों की पोल दयानंद तेरे आने से। स्वरूप दीवाना तेरा वेद की बात बताए, ओम स्वरूप दीवाना तेरा वेद की बात बताए, धर्म के मान को जान सके ना जो उनको धर्म सिखाए, धर्म के मान को जान सके ना जो उनको धर्म सिखाए, ओम स्वरूप दीवाना तेरा वेद की बात बताए, धर्म के रूप को जो जान सके ना उनको धर्म सिखाए, वैदिक धर्म की ओ वैदिक धर्म की तो तूती गई बोल दयानंद तेरे आने से, ओ वैदिक धर्म की तो तूती गई बोल दयानंद तेरे आने से, ओ खुल गई रे दयानंद तेरे आने से, वो खुल गई रे पखंडियों की पोल दयानंद तेरे आने से, दयानंद तेरे आने
से दयानंद तेरे आने से। बोलिए युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की जय।